हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रसोई मेगा की में। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स लेके आए हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ट्रिक है हमारी फ्रेंड्स, ये ब्रेड को लेकर के। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में गैस ख़त्म हो जाती है और हमें ब्रेड सेकनी होती है या फिर हमें सैंडविच वगैरह कुछ भी सेकने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गैस तो ख़त्म हो गई है तो ब्रेड या सैंडविच हम कुछ भी कैसे सेकें। तो सबसे आसान ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, आप काम चला सकते हैं अपना घर में, सैंडविच वगैरह बना सकते हैं आराम से। तो देखिए करना क्या है हमें। इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रेड ले लेनी है और ब्रेड पे चाहें तो अगर आप घी में सेकते हैं तो थोड़ा सा घी लगा लीजिए दोनों तरफ ब्रेड के। अगर घी में नहीं सेकते हैं तो आप ऐसे ही ब्रेड को ले लीजिए, घी ना लगाइए। और इस तरह से हम एक ले लेंगे ये सिल्वर फाइल, और सिल्वर फाइल लेने के बाद हम इसमें ये ब्रेड को इस तरह से रख देंगे और इसको ऐसे ब्रेड को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और इस तरह से हम एक साइड से ही फोल्ड करेंगे ऐसे, बस इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम प्रेस लेंगे और प्रेस को गर्म करने के बाद हम इस पर देखिए इसको सैंडविच को सेक लेंगे इस तरह से। ये देखिए हम आपको जुगाड़ू आइडिया बता रहे हैं ये, आप अगर आपके घर में गैस ख़त्म हो गई है या आपको तुरंत सैंडविच या ब्रेड खानी है तो आप इस तरह से अपना जुगाड़ लगा के सैंडविच या ब्रेड खा सकते हैं बना के, क्योंकि इससे सेकने से क्या होगा, ये जलेगा भी नहीं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर फॉयल होता है ना जो हीट को मतलब इतना ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है जिससे कोई हार्म हो, तो कोई भी हार्म वाली बात नहीं है, कोई भी हार्म वाली बात नहीं है। आप इसको आराम से इस तरह से सैंडविच को या ब्रेड को सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ ब्रेड की स्लाइस ली है, सैंडविच नहीं बनाया है उसको, सिर्फ ब्रेड सेकी है। तो आप इस तरह से इसको सेक सकते हैं आसानी से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सेक लिया है। अब हम देखते हैं इसको खोलकर, ये देखिए आप देख सकते हैं ब्रेड हमारी लगभग लगभग सिक चुकी है। अब आप इसको आराम से खा सकते हैं। आई होप ये ट्रिक मेरी पसंद आई होगी, एकदम जुगाड़ू ट्रिक है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी अगली ट्रिक है ये रोटियों को लेकर के। क्या होता है कि हम लोग जब रोटी बनाते हैं और इनको हॉटकेस में रख देते हैं तो जो कपड़े में करके रखते हैं तो जो लास्ट वाली रोटी होती है उसको कोई नहीं खाना चाहता है, उसमें क्या होता है कि वो नम जाती है और गीली गीली हो जाती है। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपकी रोटी गीली ना हो। तो करना क्या है आपको, ये कटोरी ले लेनी है, इस तरह से कटोरी ले लीजिए या फिर जो बर्तन रखने वाला स्टैंड आता है छोटा सा जिसपे हम गर्म बर्तन रखते हैं वो ले लीजिए आप। उसको लेकर के इस तरह से रोटी हम कपड़े के इसमें कपड़ा बिछा के फिर रोटियों को इस तरह से कटोरी के ऊपर रखेंगे और हॉट केस को इस तरह से बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि रोटी जो हमारी सबसे नीचे वाली होगी वो गीली नहीं होगी और रोटियां फ्रेश रहेंगी एकदम, और रोटियों में भाप बन के जो यहाँ पे ये जो पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे सबसे नीचे वाली रोटी गीली हो जाती है वो रोटी गीली नहीं होगी। और नीचे वाली रोटी कोई भी नहीं खाना चाहता है तो आप इस ट्रिक से रोटी रखिए, आप सारी रोटी आराम से खा सकेंगे, नीचे वाली रोटी भी आप आराम से खा सकेंगी। आई होप ये ट्रिक मेरी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी आपको। फ्रेंड्स हमारी अगली ट्रिक है ये चकला बेलन को लेकर के। क्या होता है कि कभी कभी जब हम लोग पूड़ी बेलते हैं तो इस पर कितना भी ऑयल लगाएं, हमारा तो पत्थर का पटा है तो इस पर थोड़ा कम चिपकता है, लेकिन जो उसका होता है लकड़ी का पटा होता है जो चकला होता है उस पर कुछ ज़्यादा ही पूड़ी वगैरह ज़्यादा कभी कभी चिपकती है, और हम इस तरह से बेलते हैं जब वो तो बिल्कुल उसमें चकला में चिपक जाती है और छुटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिससे कि हमें पूड़ी बेलने में अच्छा नहीं लगता है और बहुत ही देर लगती है, पूड़ी सही से नहीं मिलती है कितना भी ऑयल लगाएं। तो हमें इसके लिए आपको आज एक ट्रिक बताते हैं, करना क्या है आपको, आपको ये चकला और बेलन आपको 5-10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में आप रख दीजिए। 5-10 मिनट के लिए चकला बेलन को आप फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद आप ऑयल लगा के आराम से पूड़ी बेल सकते हैं। आप देखेंगे, आप ये आजमा के ज़रूर देखना, आपको ये बहुत ही यूज़फुल टिप लगेगी।
और 5-10 मिनट बाद आप उसको चकला बेलन को निकाल कर उस पर पूड़ी बेलिए, बिल्कुल चिपकेगी नहीं, आसानी से पूड़ी बिलेगी, बहुत ही अच्छी पूड़ी बिलेगी हमारी। तो आई होप ये ट्रिप भी मेरी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, हमारी अगली ट्रिक है ये लहसुन को लेकर के। क्या होता है हमारे घर में कभी कभी लहसुन ज़्यादा आ जाता है और स्टोर करके उसको रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, ये लहसुन की इस तरह से कलियां कर लेनी है और अलग अलग इनको कर लेना है, और एक आपको एक कांच की शीशी ले लेनी है इस तरह से, और उसमें ये लहसुन की कली आपको डाल देनी है सारी। आपके पास अगर कांच की बोतल कोई बड़ी हो तो आप उस बड़ी बोतल ले सकते हैं। ये मेरे पास ये इनो की बोतल थी, तो हम इसमें इसको लहसुन को रख देंगे। तो इस तरह से आपको ये लहसुन रख के और इसमें रख देना है, छिलके सहित रखना है, और फिर इसको बंद कर देना है। ये आराम से आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। छिलने से पहले आप इसको जब फ्रिज में से निकालेंगे तो देखेंगे इसका छिलका मोटा हो जाएगा, और जो कि आसानी से बहुत ही जल्दी ये लहसुन हमारा छिल जाएगा, और आप इसको स्टोर करके भी आराम से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इस तरह से अगर आप कांच की बोतल में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा लहसुन। तो ये आप ट्रिक आजमा के ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, हमारी अगली ट्रिक है ये कूड़ा को लेकर के। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब कूड़ा समेटने जाते हैं घर में झाड़ू लगा के, तो उसी टाइम पे, खासकर की बात है उसी टाइम पे, वो कूड़ा जिससे हम उठाते हैं वो हमारा गायब हो जाता है और वो आसानी से नहीं मिलता है। तो हम करेंगे क्या, फिर हमें कूड़ा उठाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, हाथों से उठाने में हमें बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कूड़ा उठाने में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक पॉलिथीन लेनी है, और पॉलिथीन इस तरह से हाथ में आपको पहन लेनी है, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हाथ में हम पॉलिथीन को पहन लेंगे, और ऐसे हम ये कूड़ा ये सारा इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने ये सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया है। ये थोड़ा सा कूड़ा रह गया है, अब हम क्या करेंगे, और ये पॉलिथीन लेके इसको सीधा करके ये सारा कूड़ा इसमें कर लेंगे। और अब ये थोड़ी सी मिट्टी वगैरह रह गई है, इसको कैसे साफ करेंगे, हम एक पेपर लेंगे, इस तरह से उसको भिगो लेंगे पेपर को, और ऐसे इस तरह से इसको कागज से पूरा कूड़ा लेके इसमें, और ये इसी पॉलीथीन में डाल के, पॉलीथीन बंद करके हम इसको डस्टबिन में डाल देंगे। ये देखिए सारा कूड़ा हमारा, सारा फर्श हमारा क्लीन हो गया, कूड़ा हमारा सारा समेट गया है। तो आई होप ये ट्रिक मेरी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज्यादा यूजफुल ट्रिक थी। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बहुत ही अच्छी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।